क्या आप व्यापम MPPSC या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आज ही अनअकैडमी पर किशोरी भदौरिया मैम को फॉलो कर लें। इन कैटेगरीज में किशोरी भदौरिया मैम एक वेरीफाइड और मोस्ट पॉपुलर एजुकेटर हैं। MPPSC और शिक्षक भर्ती के लिए इनके द्वारा चलाए गए कोर्स अनअकैडमी पर काफ़ी पॉपुलर हैं। आप भी इन कोर्सेज को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर सीधे ही किशोरी भदौरिया सर्च करके उन्हें ढूंढ सकते हैं। Hey guys, welcome again. I am your English tutor अनुराग पाठक और आज बहुत ही राइट डायरेक्शन की दूसरी सीरीज आने वाली है। उससे पहले आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए, FB ग्रुप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और भी राइट डायरेक्शन पार्ट वन देखिए, राइट डायरेक्शन गोल्डन रूल बाई अवधेश सिंह भदौरिया 10 लेक्चर सीरीज देखिए, उसके बाद हमारे क्वेश्चंस देखिए। मैं यहाँ प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ये क्वेश्चन जेल पैरी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में बोल रखा है, हम एक एक ये भी देखेंगे कि इसमें सही क्या क्या है, क्या क्या रूल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दे रखा है द पीपल, मतलब लोग ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो क्या बोल रखा है, द पीपल क्या हो गए, एक नाउन हो गए, नाउन हो गया, ऑफ क्या हो गया, एक प्रपोजिशन हो गया, एंशिएंट इंडिया ये भी क्या हो गया, एक नाउन हो गया, किसी जगह का नाम है। तो क्या बन रहा है, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, ये कंस्ट्रक्शन बन रहा है। तो उसके पहले आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ लगा हुआ है। तो पहले वाला वाक्य अपना क्या हो गया, सही हो गया भाइयों। तो ए पार्ट में कोई एरर नहीं आ रही। अब एक चीज़ बताओ, मैंने क्या बोला था, जब भी नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, नाउन वन प्रपोजिशन वन, नाउन टू प्रपोजिशन टू, नाउन थ्री प्रपोजिशन थ्री, ऐसे ये सीरीज चलती रहे तो जो वर्ब लगेगी वो किस हिसाब से लगेगी, पहले वाले नाउन के हिसाब से लगेगी। तो यहाँ पे पहले वाला नाउन क्या है, पीपल है, तो पीपल के हिसाब से क्या है, वर्ब लगा हुआ है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग हमेशा कैसे होंगे, प्लूरल होंगे, ये भी सही है। अब इन्होंने एक शब्द यूज किया है मोर, मोर यूज किया है, सिविलाइज्ड देन, तो क्या कर रहे हैं, मोर कब यूज किया जाएगा, जब कंपैरिजन करना चाह रहा होगा, कंपैरिजन करना चाह रहा होगा क्वेश्चन देने वाला, मोर सिविलाइज्ड, ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, और मोर के साथ आता क्या है, देन आता है, तो ये भी सही है, ठीक है। देन एंशिएंट यूरोप, मतलब प्राचीन यूरोप ना, आधुनिक इंडिया के लोग हैं, पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया, मतलब प्राचीन इंडिया के जो लोग थे, प्राचीन भारत के जो लोग थे, वो एंशिएंट यूरोप से मोर सिविलाइज्ड हैं, मतलब तुलना वो किससे करेगा, एंशिएंट यूरोप के लोगों से करेगा ना, तो यहाँ पे लोगों की बात तो हो ही नहीं रही, यहाँ पे बात हो रही है एंशिएंट यूरोप की। तो जब भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन हो तो हमें क्या करना होगा, या तो दैट ऑफ लगाइए या दोज ऑफ लगाइए, क्योंकि देखो जब भी तुलना होती है तो हमेशा किस तरह की चीज़ों में होती है, समान चीज़ों में होती है, पर यहाँ तुलना किसके बीच हो रही है, पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के लोगों में, और एंशिएंट यूरोप, मतलब प्राचीन यूरोप में, प्राचीन यूरोप की तुलना प्राचीन भारत के लोगों से कैसे मेल खा सकती है। तो हमें भी यहाँ पे क्या करने होंगे, यहाँ पे भी हमें लोगों को सम्मिलित करना होगा। तो अब मैं बता रहा हूँ दैट ऑफ कब लगाना है, जब क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्या लगाएंगे, दैट ऑफ, और जब प्लूरल हो तो क्या लगाएंगे, दोज ऑफ, क्या लगाएंगे, दोज ऑफ। तो पीपल कैसा है, यहाँ पे अपन को पीपल चाहिए, पीपल ऑफ एंशिएंट यूरोप, तो अपन क्या लगाएंगे, दोज ऑफ, ताकि ये क्या है, पीपल प्लूरल है, तो ये भी सही हो जाएगा, दोज ऑफ एंशिएंट यूरोप, मतलब एंशिएंट यूरोप के लोगों का अर्थ ये देने लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, दोज ऑफ डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, दोज ऑफ, समझ में आया। पहले तो हमने देखा ये नाउन था पीपल, ऑफ प्रपोजिशन था, एंशिएंट इंडिया नाउन था, अब तो क्या हो गया, नाउन प्रपोजिशन प्लस नाउन, तो उसके पहले आर्टिकल दा लगा था, जो कि बिल्कुल सही है, ये कंस्ट्रक्शन होता है। दूसरा मैंने क्या बताया, जब भी नाउन लगाओ फिर प्रपोजिशन लगाओ फिर नाउन लगाओ फिर प्रपोजिशन लगाओ, ऐसी सीरीज अगर अनंत तक भी चलती रहे तो अपन को वर्ब जो लगानी है वो किसके हिसाब से लगानी है,
पहले वाले नाउन के हिसाब से। तो यहाँ पे पहले वाला नाउन कौन सा है? पीपल है। पीपल कैसे होते हैं? प्लूरल, तो बर लगी है, तो ये भी सही हो गया। अब अगला देखो, मोर लगा है, मोर लगा है तो आगे देन आना चाहिए, तो मोर सिविलाइज्ड, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों का। मोर कब लगाते हैं? जब कंपैरिजन हो। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन हो गलत चीज़ों में रहा है। एक तरफ लोग हैं, दूसरी तरफ प्राचीन यूरोप है, तो उधर भी हमें लोग डालने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने ये बता दिया, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो दैट ऑफ का प्रयोग करें, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो दो जॉब का। तो यहाँ पे पीपल कैसा था? प्लूरल, तो दो जॉब का प्रयोग कर दिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव ऑन करते हैं। ये भी उसी सेम थीम पे आधारित है। लिस्ट है, लिस्ट कैसा है? नाउन है। ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है। नेम्स क्या है? नाउन है। तो नाउन लगा है, प्रपोजिशन लगा है, प्लस नाउन लगा है, नाउन प्रपोजिशन प्लस नाउन। अब मैं क्या बता रहा हूँ, जब भी नाउन आए, प्रपोजिशन आए, नाउन आए, ऑफ भी यहाँ पे क्या है? प्रपोजिशन दे रखा है। द टैक्स डिफॉल्टर, मतलब कोई आदमी होंगे, तो ये भी नाउन हो गए। तो जब भी ये नाउन लगा है, प्रपोजिशन भी एक नाउन है, नाउन है, प्रपोजिशन है, फिर नाउन है, फिर प्रपोजिशन है, ऑफ, फिर नाउन है, तो हमेशा वर्ब आएगी, वो किसके हिसाब से आएगी? पहले वाले नाउन के हिसाब से। तो यहाँ पे पहले वाला नाउन क्या दे रखा है? लिस्ट दे रखा है, जो कि क्या है? सिंगुलर है। तो हमें वर्ब भी कैसी लगानी पड़ेगी? सिंगुलर। ये पब्लिशर, डिफॉल्टर, नेम्स, इनसे कुछ नहीं लेने देना। पहले वाला नाउन देखो, उसके हिसाब से आप वर्ब लगाओ। तो पहले वाला नाउन यहाँ सिंगुलर था, तो वर्ब भी सिंगुलर आ गई। वर्ब प्लूरल वर्ब थी, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? बॉस आ जाएगा। और भी कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे बॉज लगा है, बॉज के बाद पब्लिश है, मतलब इसकी थर्ड फॉर्म दे रखी है, ईडी फॉर्म लगा है। ये कब होता है? मतलब ये पैसिव वॉइस में आ गया। बॉज के बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव वॉइस में हो गया। तो बस इतना ही बताना था इस क्वेश्चन में, तो एरर आ जाएगी आपके पार्ट सी में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे बोलूं, आपको किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है, तो आप कब सिलेक्ट कर पाएंगे? जब आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी। सिलेक्शन तो तभी कर पाएंगे कि भाई हमारे पास 10 गाड़ी हैं, हमको सिलेक्ट करना है एक गाड़ी, तो एक से अधिक गाड़ी होंगी तभी आप सिलेक्ट कर पाएंगे। ऐसा तो है नहीं एक गाड़ी है और आपने सिलेक्ट कर ली, वो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको उसी में जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ ऑफ जब भी लगा हो तो ये क्या करता है? सिलेक्शन। इतने में से एक, इतने में से दो, इतने में से इतने, मतलब तो यहाँ पे क्या चाहिए? उसे एक से ज़्यादा चाहिए। तो ऑफ क्या है? ऑफ किसके काम आता है? सिलेक्शन। ऑफ किसके काम आता है? सिलेक्शन के। अब यहाँ पे ऑफ लग गया, ऑफ लगा है मतलब सिलेक्शन हो रहा है, तो सिलेक्शन के लिए हमें एक से ज़्यादा चीज़ें चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या देखा है? माई फर्मेस्ट बिलीफ। बिलीफ क्या है? सिंगुलर। जब सिंगुलर है भाई, तो इसमें क्या करेंगे? इसको पहले प्लूरल बनाओ। भाई जब एक ही चीज़ है तो उसमें से सिलेक्ट कैसे करोगे? चीज़ें पहले एक से अधिक हो तभी तो सिलेक्ट करेंगे। जैसे किसी के पास 10 गाड़ियां हैं या 12 गाड़ियां हैं, उसको अगर दो गाड़ी सिलेक्ट करनी है तभी तो कर पाएगा जब उसके पास दो से अधिक गाड़ी होंगी। नहीं तो उसके पास दो ही गाड़ियाँ हैं और दो गाड़ी सिलेक्ट करना है, तो वो मजबूरन उसे वही गाड़ी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करो? पहले इसको क्या बनाओ? प्लूरल बनाओ, तभी तो उसमें से एक चीज़ सिलेक्ट कर पाएगा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? बिलीव्स। बहुत सारी चीज़ें होंगी तभी व्यक्ति एक चीज़ सिलेक्ट कर पाएगा। अब देख लो, ये भी नाउन है, ये प्रपोजिशन है, फिर ये नाउन है, बन भी एक नाउन है, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन। तो इसके बाद वर्ब जो आएगी वो किसके हिसाब से आएगी? पहले वाले नाउन के हिसाब से। पहले वाला नाउन क्या है? बन है, तो वर्ब इज दे रखी है सिंगुलर, तो इज तो सही है, बिलीव गलत था। बिलीव की जगह यहाँ पर क्या आएगा? बिलीव्स, ठीक है। ठीक है, बिलीव की जगह यहाँ पे क्या आएगा? बिलीव ऑफ, बिलीव्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, अब मैं यहाँ पे जैसे लिख दूँ, सम ऑफ माय फर्मेस्ट बिलीव। समझना, बड़ा अंतर बता रहा हूँ। बिलीव इज, अब इसमें एरर देखो, आप लोग छांटने की कोशिश करो।
सम ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीव इज, देखो ऑफ लगा है, ऑफ के बाद जो भी चीज आएगी, अगर सिलेक्शन की बात है, सिलेक्ट कर रहे हैं ना कुछ कुछ मेरे बिलीव, तो सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या चाहिए, प्लूरल, तो पहले तो ये बिलीव की जगह क्या होना चाहिए, बिलीव्स, क्या होना चाहिए, बिलीव्स, पहली गलती तो ये हो गई। अब एक चीज बताओ, उसने क्या एक बिलीव सिलेक्ट किया, नहीं, उसने एक से ज्यादा बिलीव सिलेक्ट किए, मतलब कुछ बिलीव, तो इसके हिसाब से देखो ये नाउन है, ये प्रपोजिशन है, ये नाउन है, तो वर्ब किसके हिसाब से लगेगी, इसके हिसाब से, तो सम क्या होता है, हमेशा एक से ज्यादा होता है, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल, तो क्या आएगी, आर। ये चीजें समझ में आ गई, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अभी थोड़ा बहुत बता दिया हूँ, बाकी जब अपन कराएंगे तब और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली, अब ये ए पार्ट है, देखो जॉन है, सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, इज के बाद वर्ब की क्या आ रही है, जेरंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म आ रही है, ठीक है। वेरी, वेरी एक एडवर्ब है, हार्डली भी एक एडवर्ब है, जिसका अर्थ होता है ना के बराबर, मुश्किल से, ना के बराबर या मुश्किल से। ही इज वर्किंग वेरी हार्डली, मतलब वह मुश्किल से वर्किंग कर रहा है, ये तो बहुत ही गलत हो गया ना। ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, हार्ड एक एडजेक्टिव भी है, तो हार्ड एक एडजेक्टिव है, वेरी एक एडवर्ब है, तो दोनों का, दो को दो एडवर्ब एक साथ नहीं आ सकते, जैसे वेरी और हार्डली दोनों एक एडवर्ब है, एल वाई लगा है हार्डली में, तो दोनों एडवर्ब एक साथ नहीं आ सकते, तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, एडजेक्टिव। ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, वो बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि वर्किंग वेरी हार्ड, हमें दो एडवर्ब नहीं लगानी, एक एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि एडवर्ब जो होती है वो एडजेक्टिव की क्या बताती है, विशेषता। ही वॉज बेंट अपॉन टू मर्डर हिम, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक कॉन्सेप्ट आपको देखे जाएगा, ही क्या है, एक सब्जेक्ट है, बॉज एक सिंगुलर वर्ब है, ही के हिसाब से बॉज आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। बेंट अपॉन, बेंट क्या हो गया, देखो ये पैसिव वॉइस में है, किस में है, बेंट का अब वो है थर्ड फॉर्म लगा है, तो ये पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बी वर्ब बोलते हैं इसको, जब मैं पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। बेंट अपॉन, अपॉन क्या है, एक प्रपोजिशन, प्रपोजिशन है, ठीक है, इसके बाद प्रपोजिशन के बाद दिया है टू प्लस वी वन, टू प्लस वी वन को मैंने पहले ही बताया था इन्फिनिटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव, टू प्लस वी वन को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव, हम ये जब इन्फिनिटिव पढ़ाएंगे तब बताएंगे डिटेल में। बेंट अपॉन, लेकिन मैंने एक चीज़ और बताई थी, जब भी प्रपोजिशन आए, क्या आए, प्रपोजिशन, और उसके बाद वर्ब देखी दे रखी हो, तो वो टू प्लस वी वन रूप में नहीं होती, आई एन जी रूप में होगी, तो इसको टू हटाइए और क्या लगा दीजिए, मर्डरिंग, बेंट अपॉन मर्डरिंग, अपॉन क्या है, एक प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद मटर एक वर्ब है, तो वर्ब हमेशा किस फॉर्म में आएगी, जेरंड फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में आपकी वर्ब आएगी, ये चीज़ समझ पा रहे हैं। ये ही था, सब्जेक्ट था, बॉज एक बी वर्ब हो गई, बी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, कोई दिक्कत नहीं, बाकी की पेशिव में चला गया, उसके बाद एक प्रपोजिशन आया, प्रपोजिशन के बाद टू प्लस वी वन एक वर्ब करके आई, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है वर्ब कभी भी जब भी आएगी प्रपोजिशन के बाद वो जेरंड फॉर्म में आएगी, किस फॉर्म में आएगी, जेरंड फॉर्म में, तो मर्डर एक हत्या करना एक वर्ब है, तो इसको क्या करेंगे, जेरंड फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मर्डरिंग, इसका अर्थ हुआ वह तुला हुआ है हत्या करने पर, बेंट अपॉन, बेंट अपॉन मतलब वो लिख लो तुला हुआ होना। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव ऑन करते हैं, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, द सिंगर एंड डॉक्टर, अब मैं इसका आपको पहले अर्थ बता दूं, जैसे लिखा है द सिंगर एंड डॉक्टर, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है, कौन है, एक ही व्यक्ति है जो सिंगर भी है एंड डॉक्टर भी है, क्या है, सिंगर है और डॉक्टर भी है, और मैंने अगर इसको ऐसे लिख दिया द सिंगर एंड द डॉक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं, क्या हैं, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, क्या हैं, दो अलग अलग, अगर एक बार आर्टिकल का प्रयोग किया गया है तो एक ही व्यक्ति है, अगर दोनों दो एक बार से अधिक आर्टिकल का प्रयोग किया गया है तो दो व्यक्ति हैं। अब ये समझो द सिंगर एंड डॉक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही व्यक्ति है जो गा भी सकता है और डॉक्टर भी है, जो सिंगर भी है, गायक भी है और सिंगर भी है, और इसमें क्या हुआ द सिंगर एंड द डॉक्टर, तो इसमें क्या हो जाएगा, दो अलग अलग व्यक्ति हैं,
जिसमें से एक सिंगर है एक डॉक्टर है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। यहाँ पे एक व्यक्ति है, द सिंगर एंड डॉक्टर, ठीक है, उसके बाद वर्ब दे रखी है, तो ये चीज़ सिंगुलर हो गई ना, एक ही व्यक्ति है, तो वर्ब तो सिंगुलर दे नहीं है, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर कब बनाते थे, जैसे राम गोइज टू स्कूल, तो उसमें एस ई एस लगा के बनाते थे, इसी में इसमें क्या लगाएंगे, एस आई एस, तो सीम्स लगा दो। अब यहाँ पे अगर द डॉक्टर होता तो ये क्या होता, सीमी सही होता, क्या होता, सीमी सही होता, क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है। अब देख लो हर कजन, अब उसका कजन, कजिन, हर कजिन, अगर उसका कजिन है तो भाई सीधी बात है, किसी लड़के की कजिन की बात कर रहे हैं तो लड़का ही होगा या भाई होगा, तो यहाँ पे ब्रदर की आवश्यकता नहीं होती, कजिन के साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता, ये बात गांठ बांध लो, कजिन के साथ कभी भी ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग नहीं होगा, क्या नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा, समझ पा रहे होंगे आई थिंक आप लोग, कजिन के साथ तो यहाँ पे हटा दीजिए ब्रदर, बाकी आपका पार्ट बी में एरर हो जाएगी, और कजिन के साथ कभी भी ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव ऑन करते हैं। ऑनेस्टी हैज बीन द बेस्ट पॉलिसी, मैंने क्या बोला था, जो भी सार्वभौमिक सत्य हैं वो प्रेजेंट इंडेपेंडेंट टेंस में लिखे जाएंगे, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं या जो कहावतें हैं, कहावतें हैं उन्हें किस में रखा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट टेंस में। तो ऑनेस्टी इज बेस्ट, इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हैज बीन नहीं लगाना है, इज लगाना है, क्योंकि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है, समझ में आ रहा है। ऑनेस्टी कैसा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ऑनेस्टी क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जितने भी, जैसे मैं बोल दूँ एक और एग्जाम्पल दे दूँ, वॉटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये गलत है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, जो भी कहावतें हैं या जो चीज़ें सत्य घटना पर आधारित हैं उनमें किसका लगाएंगे, प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक और टेंशन टेंस ले लो, एक और कहावत ले लो, अर्थ द अर्थ, अर्थ एक वो है यूनिक चीज़ है, इसके साथ दार लगेगा, मूव्स, मूव्स लगाया ना, एस लगाया, मूव्स राउंड द सन, तो भाई जब भी जो चीज़ें हैं सार्वभौमिक सत्य उन्हें किसके साथ रखा जाएगा, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9th पे मूव ऑन करते हैं, ये क्वेश्चन भी अच्छा इंपॉर्टेंट है। ऑल द लगेज, अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, जब नाउन पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसका, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनका ना तो कभी प्लूरल बनता है और ना ही उनमें कभी कभी भी एस या ईएस लगा दिया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन जब जिसको गिन ही नहीं सकते उसका प्लूरल तुम कैसे बना सकते हो, जिसको गिन ही नहीं सकते उसके साथ आर्टिकल लगा के उसको सिंगुलर कैसे बना सकते हो, तो ये लगेज है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अभी तो बस इतना पढ़ लो, बाकी जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे नाउन तब बताऊँगा मैं। इज बिलोंगिंग, बिलोंगिंग मतलब क्या है, बात पोजिशन की है, तो बिलोंग नहीं आता, ये हमेशा किस में रहेंगे, बिलोंग्स टू मी, हमेशा इनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता, बिलोंग हुआ, लाइक हुआ, और भी कई चीज़ें हैं जो मैं समय आने पर बताऊंगा, ये पोजीशन है तो इनके साथ क्या होगा, वर्ब ऑफ पोजीशन है तो इनके साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा। ऑल द लगेज बिलोंग्स टू मी, मेरे से बिलोंग करता है, मेरे से संबंध रखता है, इनका कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आना है। लगेज हुआ, बिलोंग हुआ, हीरा हीयर हुआ, ठीक है, लाइक हुआ, डिसलाइक हुआ, लव हुआ, इन सब के साथ क्या नहीं आना, आईएनजी फॉर्म नहीं आता, ठीक है। ये क्वेश्चन जरा मैं बाद में और समझाऊंगा जब वह पढ़ाऊंगा, अभी तो बस इतना याद कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ आई वाज इंटेलिजेंट, यदि मैं इंटेलिजेंट होता, यदि मैं इंटेलिजेंट होता, तो इसमें क्या कर रहा है आदमी, कल्पना कर रहा है कि काश मैं इंटेलिजेंट होता, तो जब भी कल्पना की जाए तो उसमें हमेशा वर्ब जो लगेगी वो वर लगती है, चाहे सब्जेक्ट भले ही हो। जैसे अगर मैं बोलूँ इफ ही वॉज इंटेलिजेंट, यदि वह इंटेलिजेंट होता, तो इसमें ही के साथ वॉज आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए, लेकिन कल्पना है, कल्पना में हमेशा क्या लगेगा, वर लगेगा, ये चीज़ याद रख लेना, ही वर इंटेलिजेंट। ये क्वेश्चन हमारे एफ बी ग्रुप वाले थे जो मैंने उस दिन डाले थे,
एफबी पे मैं डेली पांच, हमारा ग्रुप है उसमें पांच क्वेश्चन डालता हूँ, कभी एरर, कभी बनवर्ड, कभी ईडियम्स। अब क्लॉजोलॉज थोड़ा आप लोगों को ग्रामर आने लगेगी, उसके बाद कराई जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, बात हो रही है इमेजिनेशन की। इमेजिनेशन जब होगा, जैसे मैं बोलूँ इफ आई वर, इफ ही वॉज प्राइम मिनिस्टर, यदि वह प्राइम मिनिस्टर होता तो ये गलत है। यहाँ पे क्या लगेगा, बर, उसने कल्पना की है, वो कोई है थोड़ी प्राइम मिनिस्टर। तो जब भी कल्पना की बात होगी तो बर लगेगा। इफ ही आई वर इंटेलिजेंट, यदि मैं होशियार होता, आई वुड आंसर दिस क्वेश्चन, मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे ही देता। ठीक है, अब देखो तो ये समझ में आ गया। और आगे हमेशा बुड लगेगा, अगर यहाँ बर लगा है तो क्या लगेगा, बुड लगेगा। ये पास्ट में है तो पूरा टेंस किस में होना चाहिए, पास्ट में। इसी के साथ मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारा एफबी ग्रुप से जुड़िए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लाइव क्लासेज लेते हैं अवधेश भदौरिया जी, और मैं उस पर जो भी है, जो भी क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन डालता हूँ और प्रयास रहता है एक्सप्लेनेशन वहीं देने का। तो हमारे ग्रुप से जुड़िए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ आपका साहबार सुनने के लिए, और पिछले लेक्चर्स भी देखिए, जो 50 गोल्डन रूल हैं, एरर डिटेक्शन पार्ट वन है, जो भी मिल रहा है एरर से रिलेटेड आर्टिकल वार्टिकल जो भी मिल रहा है, और भी सारे वीडियो आने वाले हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।